हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो तरीके से लॉन्ग रे पट्टी बनाना सीखेंगे कि एक छोटे से पीस से हम कैसे रे पट्टी बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो वे है वो ऐसे है कि हमने ये दो पट्टियां ले ली हैं, ये हमने एक इंच चौड़ाई में ली है। आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले सकते हो, बस कपड़े को तिरछी और से काटना है। और इसको हमने बिल्कुल सीधा इसके एजेस को सीधा काट लिया है और ऐसे हमने इस पे रख लिया है इसको। एक जो पट्टी है आपकी, एक ही फ्रंट साइड होनी चाहिए और एक ही बैक साइड होनी चाहिए। तो ऐसे रख के हम ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल इजी वे है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, दो पट्टियों को जोड़ सकते हैं इस वे से बड़ी इजी से। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये लॉन्ग पट्टी बन जाती है। जब हम सिंपल पट्टी को जोड़ते हैं तो उसमें सीधा जोड़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक जगह गट सी आ जाती है तो उसकी चौड़ाई में फर्क पड़ सकता है, वहां पे वो मोटी दिख सकती है। तो इस वे से आपकी जो आप इससे पाइपिंग बनाएंगे बिल्कुल ही सीधी आएगी। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और अब इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। और जो अब ये हम ये यहाँ पे सिलाई लगाई है, अब इसको नाखून की हेल्प से इसको बिठा लेंगे, अंदर को प्रेस करेंगे इसको नाखून की हेल्प से, तो ऐसे ये बैठ जाएगी। और जब हम इसकी पाइपिंग तैयार करेंगे तो आधा जोड़ जो है ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ चल के तिरछा आ जाएगा। तो इसके जो चौड़ाई में है कोई कहीं से कम या ज्यादा नहीं होने वाली और बिल्कुल ही बराबर ही इसकी चौड़ाई आएगी जितनी आप रखोगे। तो जो हमारा नेक्स्ट जो वे है बनाने का पाइप, ये ओरे पट्टी, लॉन्ग ओरे पट्टी हम कैसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ये रेक्टेंगल पीस ले लिया है और इसमें हमने बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी ये लाइनें लगा ली हैं। आपको जितनी चौड़ाई में चाहिए आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन के साथ इनको यहाँ पे लाइनें लगाई हैं। ये लाइनें आपको तिरछी लगानी है, इस बात का ध्यान रखना, और बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ ये लाइनें लगानी है। अगर एक रखते हो तो सभी एक ही रखनी है। तो ये हमने निशानी लगा ली है। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से वो हम कट कर देते हैं। ये कट करने के बाद हमने एक जो इसका किनारा है उसको दूसरे किनारे से जोड़ना है, दूसरी तरफ से इस तरफ से जोड़ेंगे ताकि जो ये हमने निशानी लगाई है वो आपसे मिल जाए। ऊपर से एक ऐसे ऊपर से एक जो लाइन है उसको छोड़ के दूसरी साइड से नीचे वाली से ऐसे जोड़ेंगे, यानी कि हमने एक ऊपर से छोड़नी है लाइन। तो ऐसे इधर से भी ऐसे ऐसे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे आ जाएगी सिलाई। आपको जहां से सही दिखाई दे रहा हो लाइन के साथ लाइन मिला के कपड़ा सेट करके उस पर सिलाई लगा लीजिए। यहां से जोड़ के बस सिलाई लगा लीजिए किनारियों को मिलाते हुए, इन जो हमने लाइनें लगाई हैं उनको आपस में जोड़ते हुए सिलाई लगा लीजिए। बहुत ही इजी है सिलाई लगाना। तो ये देखिए रख चुकी है। अब इसको उल्टा लेते हैं। उल्टाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करना बहुत ही आसान है। हम इस फैब्रिक को अपने हाथ में डाल लेंगे ऐसे, और जो लाइनें लगी हुई है सिर्फ उसी पे हमने ये सीजर्स चलानी है। जो लाइनें हमने ड्रॉ करी थी बस उसी पे चलानी है और आपकी जो ये ओरे पट्टी है खुद से खुद निकलती चली जाएगी। तो है ना बहुत इजी वे कैसे हम लॉन्ग ओरे पट्टी काट सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे मुझे लगा।
आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं, बिकॉज ये पाइपिंग बनाने के तरीके बहुत ज्यादा हैं। मैंने तो सिर्फ दो तरीके जो मुझे अच्छे लगते हैं मैंने वो आपको बताया, बाकी इसके तरीके तो बहुत ज्यादा हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे से फैब्रिक से हमने कितनी बड़ी ये और एक पट्टी निकाल ली है, और ये भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसके साथ पाइपिंग बना सकते हैं, बिकॉज जो सिलाई है इसमें वो बिल्कुल ही तिरछी आ रही है। देखिए ये इतनी लॉन्ग बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रील्स बनाती रहती हूँ, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू, बाय।